brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. मैं किस बात का जश्न मनाऊं? मैं किस बात का जश्न मनाऊं? परायों की गुलामी से आजाद हुए मुझे कई साल बीत गए. परायों की गुलामी से आजाद हुए मुझे कई साल बीत गए. पर गुलामी, गुलामी तो मैं आज भी कर रही हूँ. गरीबी की, बेरोजगारी की और इन झूठी खोखली सरकारों की. सड़क पर निकलती हूँ ना तो नगर निगम के खड्डे ना मुझ पे हंसते हैं. सड़क पर निकलती हूँ ना तो नगर निगम के ये खड्डे ये मुझ पे हंसते हैं. ये सरकारी टूटी टूटी बसें ये मेरे देश का हाल दर्शाती है. और इनसे निकलता ये काला धुआं नहीं, ये मेरे देश का अंधकार है. ये मेरे देश का अंधकार है. कहाँ मेरा देश विश्व गुरु हुआ करता था? कहाँ मेरा देश विश्व गुरु हुआ करता था? आज सरकारी स्कूल बिना गुरु के ही चलता है. आज सरकारी स्कूल बिना गुरु के ही चलता है. कमी नहीं है मेरे देश में, ये मत सोचना कि कुछ कमी है मेरे देश में. तो कोई कमी नहीं है मेरे देश में. गूगल के सीईओ से लेके नासा के वैज्ञानिक तक सबने इसी धरती पर जन्म लिया है. गूगल के सीईओ से लेकर नासा के वैज्ञानिक तक ने सबने इसी धरती पर जन्म लिया है. पर फिर खराबी कहाँ है? खराबी मेरे सिस्टम में है. सिस्टम में बैठे लोगों में है. और वो लोग नहीं वो दीमक है. अपने ही देश को खोखला करते देशद्रोही है. वो लाल स्याही जो लगा दी जाती है ना वोट के वक्त उंगली पर, वो लाल रंग स्याही का नहीं. ये मत सोचना कि वो लाल रंग स्याही का है, क्योंकि वो लाल रंग स्याही का नहीं है. वो लोकतंत्र के खून के आंसू है. और वो तब बह रहे होते हैं जब हमारे वोटर कागज के टुकड़ों में बिक रहे होते हैं. देश मेरा साड़ी काबिलियत रखता है. ओलंपिक में 50 गोल्ड भारत भी ला सकता है. गंदगी गलियों से लोगों के दिमागों से निकाली जा सकती है. हर FIR पे कार्रवाई की जा सकती है. हर पिछड़े वर्ग को इज्जत दी जा सकती है. पर ये करे कौन? इतनी जिम्मेदारी उठाए कौन? दरअसल हमें गुलामी की आदत हो चुकी है. जो 200 साल गुलामी हमने सही है ना, उसी गुलामी की हमें आदत हो चुकी है. एक बार के लिए यूं खड़े होकर शांत होने की कोशिश करती हूँ ना, तो चीखें सुनाई देती हैं. उन लोगों की जिन्हें न्याय नहीं मिलता. उन बच्चों की जिन्हें बचपन नहीं मिलता. उन किसानों की जिन्हें इज्जत नहीं मिलती. और उन औरतों की जिनके साथ जानवरों सा सलूक किया जाता है. और हमारे देश में जो सवाल करते हैं ना, एग्जाम्पल मेरे जैसे लोग, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है. पर ये सवाल मैं फिर भी करूंगी, खुद से भी करूंगी, तुमसे भी करूंगी. क्योंकि कब तक हम इतने विसिल ब्लोअर्स को मरता देखोगे? कितनी कहानियां तुम पढ़ पढ़कर भूलते जाओगे? कब तक तुम अपनी आवाज को बंद रखोगे? कब तक तुम अपने जमीर को बेचते रहोगे? कब तक तुम अपनी आवाज को बंद रखोगे? थैंक यू सो मच.